हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने तक का संरचना कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। देखिए, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपके मालूम होना चाहिए, जो अपन वाटसन क्रिक मॉडल में पढ़े थे, कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड था, और उस डबल स्ट्रैंड की चौड़ाई कितनी थी, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। कितना था ये? ये था 2 नैनोमीटर, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम पढ़े थे आप, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर था एक्चुअल में क्या चीज था, ये था डीएनए का था, बी फॉर्म डीएनए का था। लेकिन सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए अपने ही नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि वे क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर क्या है, अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा हिस्टोन को। हिस्टोन क्या है पहले समझना होगा। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक यानी कि क्षारीय। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है अम्लीय, एसिडिक होता है, और हिस्टोन कैसा है? बेसिक। तो एसिड और बेस का इंट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, बढ़िया होगा। इसलिए हिस्टोन नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है, ताकि वो डीएनए से अच्छा से बाइंड कर सके, ठीक है। डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय होता है, जिससे इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। अब हिस्टोन के बारे में एक और चीज जो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल से, अमीनो एसिड से, हिस्टोन में कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है? जब हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड होगा ना, तो हिस्टोन जो होता है वो लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है, आर्जिनिन रिच होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो पहले स्लाइड हम क्या क्या पढ़े, क्रोमल ऑर्गेनाइजेशन में डीएनए के बारे में बताए, डीएनए 2 नैनोमीटर का जो होता है, 20 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो, जो कि अपन किस में पढ़े थे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल में पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। ये वाली चीजें क्रोमल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम डीएनए के बारे में पढ़े। फिर हिस्टोन के बारे में बताया है कि हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है, डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होता है, और जिसे डीएनए और हिस्टोन के बीच इंट्रैक्शन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसके लिए अपन बताए थे लाइसिन और आर्जिनिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोई एक चुनना होगा इन दोनों में से, मान लो दोनों ऑप्शन है, और एक पिक करना होगा तो आर्जिनिन चुनना, आर्जिनिन रिच होगा। और उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब अपन देखेंगे हिस्टोन के प्रकार। टाइप ऑफ हिस्टोन, देखिए हिस्टोन आप लोग जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार के हिस्टोन आप लोग पढ़ते हो, इसके अलावा और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में है। अब इसमें से जो H1 था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, ये लिंकर है, लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं इसे, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में रहता है ये,
का दो कॉपी, एस टू बी का दो कॉपी, एस थ्री का दो कॉपी, एच फोर का दो कॉपी, दो दो चार दो छः और ये आठ मिलकर ये बनाते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं ये, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर होता है, अब देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा हिस्टोन पढ़ने के बाद, अब वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पढ़े थे डीएनए, डीएनए के लिए आप पढ़े थे कि डीएनए जो होता है सामान्य डीएनए एक इस प्रकार से वाटसन क्रिक मॉडल वाला है ना, 2 नैनोमीटर का होता है, कितना 2 नैनोमीटर का होता है। अब देखिए जब हिस्टोन इसे बाइंड करता है, हिस्टोन जो बाइंड करेगा तो कैसा होगा, क्योंकि ऐसा फॉर्म में ये हमेशा नहीं रहता, क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है, मैंने बताया था क्रोमेटिन भी दो क्रोमेटिन पढ़ते हैं, यूक्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन। अब मान लेते हैं कि ये मैं जो बना रहा हूँ ये हिस्टोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर है, तो इसको मैं सिर्फ एक गोला के फॉर्म में बना दे रहा हूँ, ठीक है, गोले के फॉर्म में बना दे रहा हूँ मैं, समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है ये ऑक्टामर है। ये स्टोन ऑक्टामर है सब, ठीक है, ये रेड कलर से बना रहा हूँ वो स्टोन ऑक्टामर है। अब डीएनए इसमें कैसे है, देखो डीएनए जो है वो इसमें इस प्रकार से लिपटा हुआ है, ऐसा राउंडेड, इस स्टोन को चारों तरफ से जकड़ा हुआ, घेरा हुआ है, ऐसा है। अब चूंकि डबल स्टैंड है तो मैं डीएनए को कैसे बना दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइए कि ऊपर वाला जो फॉर्म में था डीएनए वैसे ही दिखेगा, डबल बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे बना दे रहा हूँ, चलो डबल स्टैंड के कारण। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, देखो ये जो था वो क्या था, ये जो था आपने सिंपल डीएनए बनाया था, राइट। अब ये जो मुझे दिख रहा है ये है क्रोमैटिन है, क्या है ये क्रोमैटिन, इसका मतलब ये है कि जब डीएनए के साथ हिस्टोन मिला हुआ रहता है तब हम उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे मैं बताया कि क्या चीज़ नहीं था इसमें, H1 नहीं था, वो H1 यहाँ पे है, अब देखिए ये H1 हिस्टोन है जो रेड कलर में था, हिस्टोन ऑक्टामर है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना, जितने एरिया को मैं घेर रहा हूं उसको देखना, ये एरिया ये देखो ध्यान से, ये एरिया जो ग्रीन कलर से कवर किया हुआ है ये एरिया, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे 1 न्यूक्लियोसोम, क्या कहेंगे 1 न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है। ये 1 न्यूक्लियोसोम यानी कि इसमें क्या क्या था, इसमें 200 बेस पेयर का डीएनए था ब्लू कलर से जो दिख रहा है आप लोग को, प्लस हिस्टोन ऑक्टामर था, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में 200 बेस पेयर होता है और हिस्टोन ऑक्टामर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है हायर एग्जाम में और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज नहीं पाया जाता, इसमें H1 नहीं होता, भूलिएगा मत, क्या नहीं होता इसमें, H1 नहीं होता, ठीक है, H1 प्रोटीन हिस्टो प्रोटीन नहीं होता है इसमें, इसमें H1 प्रोटीन नहीं होता है, भूलिएगा मत, जितना पॉइंट बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद
और रिलेशन के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और तो अभी तक आपने ये देखा कि सिंगल फॉर्म है डीएनए का, ऐसा लिनियर फॉर्म जो था हम इसे डीएनए बोले थे, सामान्य डीएनए। और जब उसमें हिस्टोन प्रोटीन बंधा हुआ रहता है इस प्रकार से, स्ट्रक्चर को हम बोले थे क्रोमैटिन। और जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है और ये कब होता है आप अच्छी तरह जानते हो, कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एम फेज, मेटाफेज में। तो उसमें क्या होता है, यही क्रोमैटिन स्ट्रक्चर हाईली कंडेंस हो जाएगा ऐसा, क्योंकि डीएनए सेल डिवीजन के टाइम से गुजरता है। तो सेल डिवीजन के टाइम में एस फेज में डीएनए का क्या होता है जी, याद है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए यहां पे आपको दो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। एक्स शेप में दिखाई देता है ना, एक एस से एस फेज में बना था इसलिए था, नहीं तो एक ही होता। क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम में इस डीएनए जो ब्लू कलर से बनाया है उसका कॉपी हुआ है, इसलिए यहां पे आप लोगों को ये एक्स आकार में यानी कि डबल दिखाई देता है। ठीक है, ये था। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आप इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम था, ये डीएनए था, ये क्रोमैटिन था, क्या डिफरेंस है सब में देख लो, है एक ही संरचना का जटिल रूप। डीएनए का ही जटिल रूप है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कब था, नॉर्मल सेल में जब था तो, क्रोमोसोम कब था, सेल डिवीजन के टाइम बना तो। ये था क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रा पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो भी बता दे रहा हूं मैं, सोलेनाइड मॉडल। सोलेनाइड मॉडल, सोलेनाइड मॉडल ये बताता है कि जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है तो जो न्यूक्लियोसोम जो था, छह न्यूक्लियोसोम का एक जटिल संरचना बनता है, छह न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। जैसे डीएनए जो था वो एक दो तीन फिर राउंड होकर इधर चार पाँच छः, इस प्रकार से आगे भी संरचनाएं जटिल होती जाती थी। इसमें इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसको हम सोलेनाइड कहे थे, इसको हम सोलेनाइड कहेंगे इसको। सोलेनाइड में सिक्स न्यूक्लियोसोम होता है, कितना, सिक्स न्यूक्लियोसोम होता है बस। बहुत ज़्यादा अगर जटिल और कठिन क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछेगा कि एक सोलेनाइड में कितना न्यूक्लियोसोम होता है, छः न्यूक्लियोसोम होता है, अदरवाइज ये टॉपिक आप लोग के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो ये सोलेनाइड का था। हाँ, क्वेश्चन आप लोग को अच्छा अच्छा पूछा जा सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ मैं, है ना, कोई डीएनए है 10,000 बेस पेयर है उसमें, कितना 10 बेस पेयर है, 10,000 बेस पेयर है। अब आपको पूछा जा रहा है कि कितने संभावित न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं। तो थोड़ा डेटा देखिएगा जो पढ़ाया हूँ उसको आज का, मैं बहुत इजी है, 200
बेस पेयर में एक न्यूक्लियोसोम था, तो सोच लीजिए आप, 10,000 का डिवाइड कर दो आप 200 से, आंसर आ जाएगा आपका 50, 50 न्यूक्लियोसोम हो सकता है। ठीक, और भी क्वेश्चन बनाइएगा, मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले ये यहाँ तक आज तक कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर रखिएगा, फिर तो उसके बाद पूरा फिर से एक बार वाटसन क्रिक मॉडल, चार ग्राफ्स एंड क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन मिला के मैं एक जटिल क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 8-8-10 क्वेश्चन रहेंगे। यदि वो बना लिया आप, समझ लीजिएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक का इनिशियल स्टेप आप लोग का बेहतरीन हो चुका है। और नहीं बना पा रहे हैं मतलब आप इस वीडियो को, पिछले जो 4-5 वीडियो में जो मैंने आपको भेजा है उसको अच्छे से देखिएगा, सारा चीज़ यही मिलेगा आप लोग को। थैंक यू।